बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी सरकार के आदेश पर रोक लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगी है, नेम प्लेट के आदेश पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और यूपी सरकार के आदेश पर रोक लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त, नेम प्लेट के आदेश पर रोक लगी है, यूपी सरकार के आदेश पर अब रोक लग गई है। बड़ी खबर, सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट पे और एक याचिका दाखिल की गई थी, इस मामले पर बहस चल रही थी और अब बड़ी खबर आई है, नेम प्लेट के आदेश पर रोक लग गई है। तो यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने आदेश दिया था कि कांवड़िया जिस रूट से जाते हैं, जो दुकानदार हैं, वो नेम प्लेट लगाए और इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नेम प्लेट के आदेश पर रोक लग गई है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर लगाई है अंतरिम रोक। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी सरकार के आदेश पर रोक लग गई है, नेम प्लेट के आदेश पर रोक लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम रोक लगाई है आदेश पर। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने शुक्रवार तक इन राज्यों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले में अभी जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया था कि जो कांवड़ यात्रा रूट पर जो दुकानदार और स्टाफ है उनको अपना नाम लिखने की अनिवार्यता होगी, इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यानी इसका मतलब साफ है कि अभी कांवड़ यात्रा रूट पर जो दुकानदार हैं उनको दुकानदार के मालिक या फिर स्टाफ के नाम लिखने की बाध्यता नहीं है। इस आदेश, राज्य सरकारों की तरफ से जो इस बारे में निर्देश जारी किए गए थे पुलिस की तरफ से, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। और इस फैसले के जहां तक कानूनी पहलुओं की बात है कि क्या ये वैध है नहीं, इसी कोर्ट आगे समीक्षा करेगा। यही वजह की कोर्ट ने राज्यों को नोटिस जारी किया है और शुक्रवार को आगे सुनवाई होगी। अंदर जब याचिकाकर्ता के वकीलों की ओर से दलील दी जाती है तो उन्होंने ये कहा कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस इस तरह के नियम जो है वो लागू करा रही है, ये बहुत ही गैर वाजिब है। तो इस पर कुल मिलाकर कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई? देखिए, अभी कोर्ट ने सिर्फ जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई सारे सवाल जरूर उठाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि जो कांवड़िए हैं वो इस बात की तो उम्मीद करते हैं कि उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन मिले, लेकिन क्या वो इस बात की भी अपेक्षा करते हैं कि खाना परोसने वाला उनके ही समुदाय का हो? और क्या ये भी वो उम्मीद रखते हैं कि जो उगाने वाला है उस फसल को, तो वो भी क्या उन्हीं का हो? तो इस पर कोर्ट ने कहीं खड़ा किया। हालांकि जब कोर्ट ने आदेश लिखा है तो उसमें कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की और सिर्फ जवाब मांगा है। लेकिन जो सुनवाई के दौरान जो दलील रखी गई, किया गया था कि कांवड़ियों की यह अपेक्षा हो सकती है कि उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन मिले, उनकी यह भी अपेक्षा हो सकती है कि जिस खाने को खाने जा रहे हैं उसमें प्याज या लहसुन का इस्तेमाल ना हो, और ऐसे में यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो रूट पर खाना मिले वो शुद्ध शाकाहारी हो। लेकिन जिस तरीके से दुकानदारों के नाम और स्टाफ के नाम लिखने के लिए बाध्य किया जा रहा है, ये एक तरीके से धार्मिक आधार पर पहचान सुनिश्चित करने की कोशिश है, ताकि उन समुदाय विशेष का आर्थिक बहिष्कार किया जा सके और इसके चलते जो दुकानदार हैं उनके लिए एक आर्थिक, कहा जा सकता है कि मौत शब्द तक का इस्तेमाल किया गया, उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश है, ऐसा याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई। हालांकि चूंकि अभी जी तो देखिए क्या कुछ कहा है कोर्ट ने इस बारे में, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। फिलहाल ये अंतरिम रोक लगाई गई है, राज्य सरकारों से इस मामले में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लिखित तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो याचिका में दाखिल किया गया था उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अब इस पर शुक्रवार तक के जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकारों को कहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर मध्य प्रदेश हो। फिलहाल यूपी सरकार आदेश पर रोक लग गई है और इस मामले पर सुनवाई चल रही थी जिसमें ये कहा गया था और याचिका की तरफ से ऐसे बाध्य नहीं होना चाहिए। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, की बहुत बड़ी खबर है, फिलहाल आदेश पर रोक लगी है और अब राज्य सरकारों को जवाब दाखिल करना होगा। देखिए बिल्कुल, आसिया तौर पर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को फिलहाल जो है अभी इस पर रोक लगा दी है, जिस आदेश में ये कहा गया था कि नेम प्लेट लगाना होगा दुकानदारों को। ऐसे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तमाम जगहों पर ये निर्देश जो है ये लागू होंगे। इसके साथ साथ शुक्रवार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और हरिद्वार में तमाम जगहों पर उत्तराखंड के जो है नेम प्लेट लगाई जाए दुकानदारों की, और यही वजह है कि लगातार इसको लेकर विवाद हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि फिलहाल